मैं जल्दी दे दो। मालिक हाँ, दो घंटे और नहीं कर सकते? नहीं, फोन किए थे हम, कहते एक दो घंटे में थोड़ा ही शुरू हो जाएगा। किसको किए थे? संदीप जी को। हाँ, बस हर बात में गांठ मारा तुम्हें हमारी है, यही सुनता रह गया था। कल जब हम घर आए तो अम्मा बता रही थी सैलरी है तो पैसे का इंतजाम किया। कहने के लिए आपको पैसा? हाँ लाया था, पर पैसे से कुछ हो पाता तो बाकी सबका दुकान भी टूटता। बस क्या बस? किताब दो। बस इसीलिए नहीं लिया वो पैसा। नहीं, क्या सुनना चाहते हो? वो उस हरामी दोस्त से मांग कर लाया था वो पैसा, कमा कर नहीं लाया था, वो सियाल चौक वाले से। हरामी? हाँ हरामी। हरामी तो हमें पता नहीं, पर अगर उस दिन वो ना होता ना तो सैलरी या तो किसी अस्पताल में होती या क्या यार। बस हजार बार तुम हमको यही बात याद दिलाते रहो हैं साला, उसका भी एहसान मानना पड़ेगा हमको। हम बता रहे हैं तुमको, ये पिछले साल हमको पुलिस धोखा ना देती ना, एक भी मुसलमान ना होता इस जिला में। हाँ, अगर पुलिस धोखा ना देती तो अपने वंश को खत्म करने का बोझ झेलते आप सारे। अबे हमको क्या पता उस साला उसके यहाँ मरा पड़ा है, है? बता कर गए थे शायद भी हमको कि अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं पढ़ाई के किसी काम से। बस साला हम पर ही सारा दोष डाल दो तुम्हें, हमारी औलाद का भी दिमाग खराब कर दिए और साला हमारा भी जीना हराम कर रहे हो। हम किए? हाँ तुम किए। दुकान भी तो वही तोड़वाए हैं। तो कुछ सोचे आप? क्या सोचे? आगे क्या करना? अरे इधर आओ, तुमको दिखाते हैं आगे। रंजाम चाचा जानते हो? जान जाओ, कल बात किया मुझसे, पता हमको क्या कहते? अरे इधर आओ, पढ़ना जानते हो ना तुम? दसवीं किया? हाँ, हमको पता है क्या कहते कि जब तक वो जिंदा है इस देश में एक भी ब्राह्मण भूखा नहीं सोएगा। हमको बुलाया है कुछ दिन अपने पास रहने के लिए। देखो चिंता मत करो, हाँ ब्राह्मण इस देश में कभी भूखा नहीं सोएगा। ब्राह्मण पुजारी बनेंगे मालिक आप? तो नहीं, दिक्कत क्या है इसमें? पिताजी पुजारी थे, उनके पिताजी पुजारी थे, और आजकल तो 250 रुपए से कम कोई दक्षिणा भी नहीं देता। हमारा काम बना तो तुम्हारा भी कुछ इंतजाम कर देंगे। हम अपनी बात किए तो बोले थोड़ा दिन रुक जाओ, यहीं पर काम मिल जाएगा। दसवीं का सर्टिफिकेट का बोल रहे थे, पिछले साल दिया था आपको, हमारा वापस कर दे। पढ़ाई का तो कुछ देखते नहीं है, दे के तुम्हारा। अच्छा सुशील एक बात बताओ, ये दसवीं से याद आया, ये पिछले महीने की दसवीं को तुम वो लाल झंडे वालों के साथ क्या कर रहे थे? हम? हाँ तुम। हम ही देखे थे बस। बकवास मत करो, जो मुझे उसको अब तक हम प्लेटफॉर्म का सारा दुकानदार था वहां पर, और दूसरे प्लेटफॉर्म का लोग भी तो था। बोल रहे थे कुछ 4-5 हजार आदमी लोग होगा, मिलकर प्रदर्शन करेंगे। अबे साफ करके दो। बोल रहे थे कि 4-5 हजार आदमी लोग होगा, मिलकर प्रदर्शन करेंगे, और कुछ बोल रहे थे कि अगर ज्यादा आदमी लोग होगा तो टीवी पर आएगा, अखबार में भी छपेगा, तो सरकार खुद ब खुद पीछे हटेगी। बस यही सुनना रह गया था तुमसे है? साला उनकी जाति के साथ ही तुम खाना हो, जो ये गंदी मुसलमान नीची जाति के साथ है, उन्हीं के साथ खाना उन्हीं के साथ रहना, हमारी जाति में सब नहीं चलता। तो आपके मुकाबले तो हम वैसे ही नीची जाति के। बकवास मत करो तुम हमसे। कुछ सोचे तुम अपना? क्या कहाँ जाओगे?
पता नहीं, ढूंढ लेंगे कोई ठिकाना, पर यहाँ आपको छोड़कर जाएंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। पढ़ाई का भी तुम कुछ सोचे नहीं है? नहीं, वो बोले थे कि आप सबको 24 घंटा खुलेगा, रात को भी काम करना पड़ सकता है, तो पढ़ाई का तो पता ही नहीं। चलिए ना हमारे साथ। कहाँ चल? एक दो बार रहने में चलिए, आपको देखकर मनोबल बढ़ेगा हमारे लोगों का और उनका घटेगा। अबे पागल हो गए हो क्या तुम? साला 25 साल दिए जिनको तुम उनको बोल रहे हो, है? हमारी औलाद का भी दिमाग खराब कर दिया, हमारा भी दिमाग खराब करने चले हो तुम। हम भी छोड़ो, पूजा करने दो हमको। मालिक, मालिक बोलो। एक बात पूछे, गली आएंगे तो नहीं? इतनी देर से क्या कर रहे हो फिर? है अबे पूछो। नहीं पूछो। अरे मुझको एक बात बताओ। मैंने प्रसाद लो, बाबा के प्रसाद लो। मुझको एक बात बताओ तुम, ये तुम नास्तिक कब से बन गया है? हम नास्तिक? हाँ तुम नास्तिक। तुम्हें क्या लगता है अपने धर्म के लिए लड़ना सारा बेकार है क्या? धर्म के लिए? हाँ धर्म के लिए। भले नेता लोगों का धर्म होता तो अपना दुकान ढूंढता। जब तुम सब सोच ही लिए हो तो अपना टाइम खराब करने का क्या फायदा है? तो सुनो। हाँ। कितने साल का हो तुम? 16? हाँ 16। अरे हम भी 16 साल के थे जब हमारे पिताजी हमको रैली में लेके गए थे, महा रैली में। हमको कहते पढ़ाई लिखाई में तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो धर्म का ही काम कर लो। अरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे राम मंदिर पर भाषण देने, बस उसी दिन से हमने सोच लिया कि राम मंदिर के लिए आजीवन लड़ेंगे। पर अपना दुकान के लिए नहीं। अबे तुमको क्या लगता है कोशिश नहीं किया क्या हमने? देख साला ना, सुनो ना हमारी बात। अब साला पहले हमको कोई आगे बोला दुकान टूटने का, हमने हंसी मजाक में डाल दिया। फिर जब बात सामने आई तो हमको लगा कि साला अपनी पार्टी है तो कुछ होगा नहीं। फिर भी हम संदीप जी को फोन किए, पता उन्होंने क्या कहा? जब तक हम जिंदा है आपकी दुकान को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये पैसे से कुछ हो पाता तो बाकी लोगों का दुकान टूटता? अबे ऊपर से ऑर्डर आया था। मुंडी नीचे करके बैठ जाओ। आप भी चल लेंगे रैली में तो आपको कुछ जाएगा। अच्छा जात बिरादरी को क्या 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 बोलेंगे हम बता? कि एक दुकान के चक्कर में राधे श्याम, एक दुकान के लालच में राधे श्याम ने अपना ईमान खो दिया, अपना धर्म खो दिया। लालच? हाँ लालच। अरे अपनी दुकान बचाने में लालच कैसा मालिक? अखर रोटी भी नहीं खाए और धर्म? जब गुस्सा शांत होना मालिक तो ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि अपने हक के लिए लड़ने से किसका धर्म भ्रष्ट हुआ है आज तक। तो तुमको कैसे समझाए, तुम तो हो ही नास्तिक ना साला। हमें तो ऊपर जवाब देना होता है, तुम तो साला यहीं पे रहोगे। ऊपर हाथ जा रहे हैं क्या आप ऊपर? पर जब तक नीचे तब तक तो ठीक से रह सकते हैं ना। तो तुम हमको ये कह रहे हो कि जब हमने अपना 25 साल दिया, अपना दुकान दिया, अपनी आमदनी दिया, उनके खिलाफ गया हमारे है? पर दुकान तो तब भी नहीं बचा 25 साल देकर भी। मालिक
बोलो। हेलो नहीं बोल। तू भाग रहा से चुत, इतना साल तुम्हें काम पर रखेगा, तुम हमें ये फल दे रहे हो हैं? साला अपना नमक खिलाया हमने तुमको, तुम हमें ये फल दे रहे हो? हम फल दे रहे हैं, हमें गलियाने से कुछ होगा नहीं। अम्मा बता रही थी 2 महीने से किस्त नहीं भरे आप बैंक का, और शैलेश भैया का भी तो 2.5 साल का पढ़ाई बाकी है ना। तो तुम हमको मत सिखाओ, हमको देख लेंगे साला, सब हम पे ही हावी होता है इधर। भागो यहाँ से। हम हावी नहीं हो रहे हैं, हमारे बोल रहे हैं। पता भी संदीप जी का नाम हम सुनते हैं ना, तो हमारा खून खोलने लगता है ना। क्या उन्हीं ने कराया था सब कुछ? तो उन्होंने बचाया भी तो नहीं सब कुछ। चाहते तो बचा सकते थे ना मालिक, पर इलेक्शन के टाइम तो हमारे हाथ में किताब पकड़ा दी। देखो मैनिफेस्टो में लिखा है विकास का काम है। अरे आदमी अपना काम धंधा बीवी बच्चा छोड़कर लग गया उनका प्रचार करने। तब काय नहीं बोले, पहले काय ने बताया हमको कि अपने चुनाव जीतने का इनाम हमारी दुकान तोड़वा कर देंगे। हम तो कभी ना जाते, एक दो बार गए, वो भी सिर्फ आप ही की वजह से। साला एहसान जता रहे हो हम पर, ऐसा नहीं जता रहे, बस बता रहे अपनी गलती। काय नहीं मान लेते? क्या गलती माने अपनी है? गलत आदमी का साथ देने का गलती। मैं तुमको फिर बोल रहे थे, हम अपना धर्म बचाने को गलती नहीं कहते। धर्म 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 अभी बताई थी ना, धर्म होता अगर उन लोगों का तो अपना दुकान। हम नहीं जाएंगे तुम्हारे पास, हमें अपना मजाक नहीं बनाना है बिरादरी में। तो भागो यहां से, जाओ जाओ अपने रहने में। मालिक कर लीजिए ना मालिक। तो भागो यहां से, बैठ चुप भागो। फिर भाई आपको जो ठीक लगे आप वो करिए, हम जा रहे हैं, आखिरी संघर्ष है हमारा अपने दुकान के लिए। हम अपना मजाक नहीं बनवाना। फोन उठाओ अपना। हमारा नहीं।